शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, पुलिस ने जुआ, हम सभी जानते हैं जुआ को लेकर पुलिस के छापे भी पड़ते हैं, लेकिन अगर जुआ हो उस पर छापा मारा जाए और एक साथ 87 लोगों की गिरफ्तारी हो तो सवाल उठने लाजमी है। ये वाकया हुआ है राजस्थान गुजरात के बिछीवाड़ा रतनपुर बॉर्डर पर होटल सिग्नेचर में, जहाँ चल रहे जुए के कारोबार का उदयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सोमवार की रात पुलिस ने 87 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकतर गुजरात के उद्यमी हैं। पूरी रात चली पुलिस की इस कार्रवाई में 45 लाख रुपए की नकदी और 10 करोड़ से ज्यादा के हिसाब किताब सामने आया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी है। सट्टे के इस कारोबार में अब तक राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको बताया जा रहा है। होटल में गुजरातियों के लिए ताश की 3 पत्ती से जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था थी, जिसमें शराब भी खुलेआम परोसी जा रही थी। पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमेंद्र श्रीमाली जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, ये बेहद चौंकाने वाली बात है जिसमें एक ही जगह पर 87 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर ये पूरा माजरा क्या था और कितने लंबे समय से यहाँ पर जुए का ये कारोबार जारी था? जी आपसे तो बताना चाहता हूँ कि यह राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर यह होटल है, जहाँ पर यह उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई, छापेमारी कार्रवाई की है। जिस तरह से उदयपुर आईजी आनंद श्रीवास्तव को सूचनाएं मिल गई थी लगातार कि इस तरह से गुजरात बॉर्डर पे जो होटल है उनमें इस तरह की अवैधानिक गतिविधियां हो रही है। पिछले दिनों में उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए थे, लेकिन थोड़ी कार्रवाई होने के बाद में वो वापस शुरू हो जाते हैं। इस बार पूरी तरह से उदयपुर से टीम यहाँ पर मुख्यालय जो हेड है ब्रजेश सोनी, उनके नेतृत्व में पूरी टीम बनाई गई और होटल पर छापा मारा गया। जिस समय वहाँ पर शताधिक लोग वहाँ पर मौजूद थे, 87 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया। जैसे ही टीम पहुंची पूरी तरह से हड़कंप मच गया, लोग जो वहाँ पे थे इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने 87 लोगों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपए की जो लेनदारी देनदारी के कागजात भी मिले हैं, 50 लाख से ज्यादा यहाँ पर कैश मिले हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है एक हड़कंप बचाने वाली कार्रवाई थी और अधिकांश लोग जो उसमें थे वो गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात के वहां पर शराबबंदी है, इस वजह से लोग राजस्थान के सीमा में आते हैं और इन होटलों में खेलते हैं। होटलों में जिस तरह की सुविधा मिलती है कैसीनो की तरह सुविधा और एक पार्ट पूरा होटल का इस तरह का बनाया जाता है जहाँ पर कोई अनजान आदमी नहीं जा पाए या जानकार भी वहां पर पहुंच नहीं बना पाए, इस तरह की व्यवस्था होती है। और वहां पे सब सारी सुविधा शराब से लगाकर सभी तरह की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, खुलेआम शराब परोसी जाती है। इस प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई की शिकायतें बार बार मिलने पर उदयपुर आईजी ने एक विशेष रूप से यह छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान और गुजरात दोनों में हड़कंप मचा हुआ है। और सभी जो हेमेंद्र ये जो पूरा जुए का जो कारोबार यहाँ पर चल रहा था, पुलिस ने इसके बारे में क्या, ये इसकी व्यापकता कितनी थी, यानी यहीं तक सीमित था या फिर इसमें अन्य लोग भी, एक पूरा नेटवर्क हो सकता है? जी जिस तरह से ये होटलें हैं वो बॉर्डर की होटलें हैं और एक ये सभी कारोबार जो होता है वो सभी नेटवर्क के थ्रू ही होता है। पिछले जो समय में यहाँ पर उदयपुर में एक होटल का छापा मारा था, उसमें भी 80 से ज्यादा लोगों को वहाँ पर महिलाओं के साथ में गिरफ्तार किया गया था और इस तरह के नाच गाने और अश्लीलता से भरे वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें भी बड़ी कामयाबी उदयपुर पुलिस को मिली थी। और इस बार भी उदयपुर पुलिस ने
इस तरह की कार्रवाई करके और बॉर्डर की जो होटल है उन सभी को एक बार सचेत किया है कि वो इस तरह की अवैधानिक जो कार्य गतिविधि है वो बंद करे, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे हेमेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह का नेटवर्क यहाँ पर चल रहा था, देखना होगा कि अभी इसमें कौन कौन से तथ्य हमारे सामने आने वाले दिनों में पुलिस की जांच के बाद निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के बहुचर्चित